नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण सातना संस्कृत पाठ्यपुस्तकनो पहेलो पाठ जेनो शीर्षक छे वंदना, एमना विषे आपणे भणीशुं। तो वंदना, वंदना एटले वंदन, नमस्कार। तो आ वंदना पाठनी अंदर जुदा जुदा श्लोको आपेला छे। ए श्लोकोमां विद्यारूपे रहेली देवी सरस्वतीने, संस्कृत भाषारूपी माताने, कल्याणकारिणी दीपज्योतिने, तेमज परम आनंद स्वरूप श्री विष्णु भगवानने नमस्कार करवामां आव्या छे। तो विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम आ वंदनाना श्लोकोनुं गान करीश। तमारे शांतिथी सांभळवानुं छे, पछी तमारे बधाए समूहमां ए श्लोकोनुं गान करवानुं छे। तो सौ प्रथम हूँ गान करूँ छू, तमें शांति थी सांभळो। पहलो श्लोक छे, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बीजो श्लोक छे, पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक वंदे संस्कृतमातरम्। त्रिजो श्लोक, शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं मतन संपदं, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। त्यार पछी चौथो श्लोक छे, एमां ध्यान आपो कई रीते श्लोकनुं गान कराय। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत् कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम। तो आ प्रमाणे ए वंदनाना श्लोकोनुं मैं गान कर्युं, ને હવે આપણે એના શ્લોકોના શબ્દાર્થ સમજીશું, ત્યાર પછી એનો અનુવાદ અને પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ આમાંથી અગત્યના શ્લોકો છે જે તમારે શ્લોક પૂર્તિ માટે પણ પૂછાય છે। તો આ મેં સંસ્કૃત ગાન કર્યું, તમારે પણ આ પાઠના બધાએ જે વંદનાના શ્લોકો આપેલા છે એ શ્લોકો તમારે કંઠસ્થ કરવાના છે। હવે આપણે પહેલા શ્લોકના શબ્દાર્થ સમજીશું, ત્યાર પછી એનો અનુવાદ કરીશું। તો યા દેવી સર્વભૂતેષુ વિદ્યારૂપેણ સંસ્થિતા, નમસ્તસ્ય 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 નમો નમઃ। તો આ પ્રથમ શ્લોકની અંદર પુસ્તકના પ્રારંભે વિદ્યારૂપે રહેલી દેવી સરસ્વતીને વંદન કરવામાં આવ્યા છે। તો એમાં વાત કરી સર્વભૂતેષુ, સર્વભૂતેષુ એટલે બધા પ્રાણીઓમાં, યા એટલે દેવી, યા દેવી એટલે જે દેવી, યા એટલે જે ને દેવી એટલે દેવી, વિદ્યારૂપે એટલે વિદ્યારૂપે, સંસ્થિતા એટલે રહેલી છે, તસ્ય એટલે તેને, નમઃ એટલે નમસ્કાર, નમઃ નમઃ એટલે વારંવાર નમસ્કાર। તો આ શ્લોકમાં વિદ્યારૂપી દેવીને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે। તો આપણે એના શબ્દાર્થ જોયા, હવે શબ્દશઃ અનુવાદ જોઈએ। યા દેવી સર્વભૂતેષુ વિદ્યારૂપેણ સંસ્થિતા, નમસ્તસ્ય 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 નમો નમઃ। તો જે દેવી, યા એટલે જે, જે દેવી બધા પ્રાણીઓમાં, સર્વભૂતેષુ બધા પ્રાણીઓમાં, વિદ્યારૂપેણ એટલે વિદ્યારૂપે, સંસ્થિતા એટલે રહેલી છે, રહેલી છે, તેને નમસ્કાર, તેને વારંવાર નમસ્કાર। જો અહીંયા નમસ્તસ્ય 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 ત્રણ વખત આપેલું છે, એટલે આપણે એને તેને નમસ્કાર, તેને વારંવાર નમસ્કાર, એ પ્રથમ શ્લોકનો અનુવાદ થયો, ભાષાંતર થયું। ત્યાર પછી બીજો શ્લોક, તો બીજો શ્લોક જોઈએ આપણે, પઠામિ સંસ્કૃતમ નિત્યમ વદામિ સંસ્કૃતમ સદા, ધ્યાયામિ સંસ્કૃતમ સમ્યક વંદે સંસ્કૃત માતરમ। તો અહીંયા સંસ્કૃત ભાષારૂપી માતાને અહીંયા વંદન કરવામાં આવે છે। તો પઠામિ સંસ્કૃતમ નિત્યમ, તો અહીંયા આપણે જોઈએ એના શબ્દાર્થ જોઈએ, નિત્યમ સદા એટલે હંમેશા, જેને સર્વદા કહેવામાં આવશે, પઠામી એટલે હું ભણું છું, હું વાંચું છું, વધામી એટલે હું બોલું છું, વધામી એટલે હું બોલું છું, સંસ્કૃતમ સદા,
संस्कृत संस्कृत सदा एट हमेशा सर्वदा सम्यक ए सारी रीति ध्यायामी एट ध्यान धरोसु वंदे एट वंदन करूसु संस्कृत मातरम ए संस्कृत भाषा रूपी माता ने वंदे एट हूँ वंदन करू छु। अं संस्कृत भाषा महिमा गावा मा से जो संस्कृत भाषा जूना में जूनी भाषा जेने देव भाषा कहमें बढ़ी भाषाओं जननी से संस्कृत भाषा बदी जे विश्व जगत ने भारत ने जटली भाषाओं से ये बदी संस्कृत भाषा में उद्भवेली से दरेक भाषाओं ने जननी कहमें तो हम जुए बीजा श्लोक अनुवाद पठामी संस्कृतम नित्यम वदामी संस्कृतम सदा हूँ हमेशा संस्कृत वाँचु छू अथवा हूँ हमेशा संस्कृत भणू छू हूँ हमेशा संस्कृत बोलू छू वदामी संस्कृतम सदा त्यार पछी जोई आपणे ध्यायामी संस्कृतम सम्यक वंदे संस्कृत मातरम हूँ सारी रीते संस्कृत नु ध्यान धरू छू हूँ संस्कृत भाषा रूपी माता ने वंदन करू छू ए बीजा श्लोक नी अंदर आपणे जोई। त्यार पछी तीजो श्लोक जयरे कोईपण कार्य की शुरुआत हुए कोईपण अपने कार्यक्रम हो फंक्शन हो कोईपण कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रागट्य कर जयरे दीप प्रागट्य कर तरह आ श्लोक बोलवा श्लोक आप जी तेरे आ बदा श्लोक कंठस्थ करवाना है। शुभम करो तू कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्य नमस्तुते तो तीजा श्लोक ने अंदर यहाँ बात कही हे दीप ज्योति एट हे दीवानी ज्योत शुभम एट शुभ मंगलकारी कल्याणकारी कल्याणम एट कल्याण थाय मंगल थाय आरोग्यम एट आरोग्य धन संपदम धन संपत्ति करो तो एट करो शत्रु बुद्धि विनाशाय एट शत्रुओं बुद्धि विनाश मे ये नमहस्तु तने नमनो अं संध्या समय प्रगटा दीवानी ज्योत ने नमस्कार कर अने मैं तमने बात करी एम जयरे कोई सारा प्रसंग हो कार्यक्रम हो तरह दीवानी ज्योत ने प्रगटा दीप प्रागट्य कर तरह आ श्लोक बोलवा शुभम करो तू कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर् नमोस्तुते तो हम आप अनुवाद जुए ये दीवानी ज्योत शुभ कल्याण स्वास्थ्य धन संपत्ति कर अथवा धन संपत्ति आप शत्रुओं ने दुष्ट बुद्धि विनाश माटे शत्रु बुद्धि विनाश आए शत्रु ने बुद्धि विनाश माटे तने नमस्कार हो जो अँ लिख्य है शत्रु बुद्धि विनाश आए दीप ज्योति नमोस्तुति अँ बात करी है कि हे दीवानी ज्योत शुभ कल्याण स्वास्थ्य धन संपत्ति आप शत्रुओं ने दुष्ट बुद्धि विनाश माटे तने नमस्कार हो। त्यार पछीनो छेलो श्लोक है यहाँ विष्णु भगवान ने ये स्तुति ने वंदन करवामां कि परम आनंद स्वरूप परमानंद माधवम जेम कहेवामां परम आनंद स्वरूप श्री विष्णु भगवान ने नमस्कार वंदना प्रणाम करवामां आवे छे। मुक्कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम जो मुक्कम ने बधानो अर्थ तमारे ये पाको करवानो या मुक्कम एटले मूंगो माणस करोति एटले करे छे वाचालम एटले वाचाळ बोलतो पंगुम एटले ये पांगळो माणस लंघयते एटले ओळंगतो करे छे गिरिम एटले पर्वत यत कृपा ने जेनी कृपा तम अहम वंदे तेने अमे वंदे करी छे जेने कोनी कृपा तो परम आनंद माधव परम आनंद स्वरूप माधव ने तो आ श्लोकनो आपणे अनुवाद जोईए एना शब्दार्थ जोईए पहेला यत कृपा जेनी कृपा मुक्कम एटले मूंगा ने वाचालम करो तेले बोलतो करे छे पंगुम एटले पांगळा ने गिरिम एटले पर्वत अथवा पहाड़ लंघे ते ओळंगे छे अथवा पार करावे छे ओळंगतो करे छे तम एटले ते परमानंद माधव एटले परम आनंद स्वरूप माधवने अहम वंदे एटले हूँ वंदन करूँ छूँ परमात्माने कृपा मूंगा ने बोलतो करे छे अने पांगळा ने पर्वत ओळंगवानी शक्ति आपे छे। तो हवे आपणे जोईए एनु भाषांतर मुक्कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम तो जेनी कृपा मूंगा ने बोलतो करे छे पांगळा ने पर्वत ओळंगतो करे छे ते परम आनंद स्वरूप श्री विष्णु भगवान ने हूँ वंदन करूँ छू परमानंद माधवम यत कृपा तम अहम वंदे जेनी कृपा जे कीधु ए मूंगा ने बोलतो करे छे जे पांगळो होय छे ने पर्वत ओळंगतो करे छे ए परम आनंद स्वरूप विष्णु भगवान ने हूँ वंदन करूँ छू
तो तमारे पण आ चार श्लोक हशे शुद्ध उच्चार साथे ए तमारे कंठस्थ करवाना छे ने बधाने ज्यारे क्लास नी अंदर कहेवामां आवे अत्यारे तमारे ए बधाए घरे तैयार कंठस्थ करी नाखवाना छे ने तमारी फेरबुक नी अंदर पण ए वंदना प्रकरण शरूआतनो जे छे पहेलू पेज नंबर एक ऊपर आपेलू ने सरस मजाना अनुलेखन करवानुं जो अनुलेखन एटले जोई जोई लखवुं अनुलेखन लेखनना पण जुदा जुदा प्रकारो छे लेखनना मुख्य त्रण प्रकारो छे तो अनुलेखन श्रुत लेखन ने त्यार पछी शीघ्र लेखन तो तमारे अनुलेखन करवानो छे एटले के आ श्लोको छे जोई जोई जरूरी के कोई बीजानी भूल न थाय एम तमारी बुकनी अंदर लखीने पछी ज्यारे कहेवामां आवे त्यारे तमारे बधाए मने देखाड़वाना छे अने श्लोको कंठस्थ करवाना छे तो आ श्लोकोनो आपणे पहेला गान कर्यो पछी शब्द छे एनो अनुवाद कर्यो ने तमारे पण ए श्लोको तैयार करवाना छे अस्तु।